गाइज, अगर आप IDFC फर्स्ट का क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और गाइज, साथ साथ अगर आप कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड भी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो भी गाइज ये वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो आपने कहीं किसी वीडियो में किसी चैनल पर नहीं देखे होंगे। और साथ साथ गाइज आपको मैं दूसरे क्रेडिट कार्ड के साथ में IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड को कंपेयर करके आपको एक रिव्यू देने वाला हूँ कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। गाइस वीडियो में लगातार लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर हम IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के फायदे के बारे में जानने वाले हैं, इसके हिडन चार्जेस के बारे में जानेंगे और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। और वीडियो में आपको एक रिव्यू भी देने वाला हूं, आपको कंक्लूजन भी दूंगा कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और गाइस इसके अलावा मैं आपको इंडस्ट्री के दूसरे कार्ड्स के बारे में भी कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा इस कार्ड के साथ कंपेयर करके ही, इन बिटवीन ही चलता रहेगा गाइस, वो भी जिनके बारे में आपको जानना चाहिए तभी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, पहले फायदों के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस फायदे जो हैं इस कार्ड के, उनमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप नाम से भी जानते हैं ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी है, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको नहीं देना है, यानी कि कार्ड आपके लिए बिल्कुल फ्री है। जब आप ज्वाइन करेंगे तब से लेकर के आप जब तक लाइफ टाइम इसे यूज़ करते रहेंगे बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए कार्ड। इसके अलावा गाइस इस कार्ड के और बम्पर फीचर्स ये हैं कि यहाँ पर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट्स गाइस आपके कभी खत्म नहीं होते। दूसरे जो कार्ड्स हैं गाइस इंडस्ट्री के अंदर वो जनरली आपको जब रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं तो एक कंडीशन लगाते हैं साथ में कि 1 महीने 2 महीने या मैक्सिमम 6 महीने तक आप उन कार्ड्स को, उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। और अगर 6 महीने के अंदर आप उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम नहीं करते हैं, उनका यूज़ करके कोई स्पेंडिंग नहीं करते हैं, तो वो जो पॉइंट्स हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। बट यहाँ पर गाइस IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड्स के अंदर आपको जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको कभी भी, आपके जो पॉइंट्स हैं वो कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे, लाइफ टाइम वो चलते रहेंगे। और गाइज रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में खास बात यहाँ पर ये है इस कार्ड के अंदर कि अगर आप 20,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा करते हैं इस कार्ड को यूज़ करके, 1 महीने के अंदर 20,000 रुपये से ज़्यादा की स्पेंडिंग करते हैं, तो वहाँ पर आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो 10 गुना हो जाते हैं, यानी कि 10 टाइम्स आपको वो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। और गाइज उन रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज़ करके आप कभी भी कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, कुछ भी स्पेंडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। अब बात करते हैं गाइज कैश विड्रॉल की और इंटरेस्ट चार्जेस की। आपने देखा होगा अगर आप अभी कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो जिस दिन अगर आप कार्ड का यूज़ करके जिस दिन कैश निकालते हैं ATM से, वो फर्स्ट डे से ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट गाइज यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आप कैश भी निकालते हैं ATM से तो भी गाइज 48 डेज तक आपको कोई पैसा नहीं देना है, 48 डेज के बाद में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप 48 डेज से पहले उसको उस पैसे को जमा कर देंगे तो आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो इस तरीके से कैश विड्रॉल पर भी गाइज यहाँ पर आपको 48 डेज की लिमिट मिल जाती है, कैश विड्रॉल पर भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। हालांकि गाइज कैश विड्रॉल पर एक फिक्स फीस तो हर जगह लगती ही है जो कि 500 रुपये होती है दूसरे क्रेडिट कार्ड्स में, बट यहाँ पर वो फीस आपको सिर्फ 250 रुपये देनी है। और गाइज ये कैश विड्रॉल मैं आपको बता दूँ, कैश विड्रॉल सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ओवरऑल वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए कहीं पर भी जाकर के आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, वही 250 रुपये की फीस लगेगी। और विदेशों में जाकर आप इसे स्पेंडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि ये ग्लोबल कार्ड है, वर्ल्ड वाइड आप इस कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें गाइज इंटरेस्ट रेट्स की, तो गाइज यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स का सीन ये है कि जो इनकी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो गाइज 9% से चालू जाती हैं और 42% तक जाती हैं। अब यहाँ पर 9% से स्टार्ट होने वाली फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट गाइज इंडस्ट्री के अंदर कहीं किसी दूसरे कार्ड में है ही नहीं, यानी कि वहाँ पर जो भी इंटरेस्ट रेट्स लगेंगे वो डायरेक्ट 36% से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आप अगर कार्ड लेने के बाद अच्छा बिहेव करते हैं, टाइम से अपनी रीपेमेंट्स करते हैं, तो जब कभी अगर आपको इंटरेस्ट देना भी पड़ा तो भी गाइज आपको इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा वो सिर्फ 9 से 12-15% के बीच में रह सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट 9% लगाइए तो डेफिनेटली इस 9 से 12-15% की रेंज में भी कई सारे लोगों को इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो गाइज यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी काफ़ी कम आपको मिल जाती है। यहाँ पर गाइज आप रेफर एंड अर्न करके भी इस कार्ड का इस यूज़ करके पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कोई कार्ड ले लिया है आज, तो अगर आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, किसी को रेफर करते हैं, उनको लिंक भेजते हैं आपकी, तो गाइज अगर वो आपकी लिंक से क्रेडिट कार्ड ओपन कर लेते हैं तो वहाँ पर 500 रुपये आपको मिलते हैं और 500 रुपये उनको मिलते हैं। आपको 500 रुपये मिल जाते हैं जब उनका कार्ड सक्सेसफुली इशू हो जाता है उस टाइम, और आपके फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड्स को 500 रुपये तब मिलेंगे जब वो पहला खर्चा करते हैं, पहला ट्रांजेक्शन करते हैं इस कार्ड का यूज़ करके। तो इस तरीके से गाइज रेफर एंड अर्न करके आप पैसा भी कमा सकते हैं। और यहाँ पर गाइज फायदे खत्म नहीं होते, इसके कुछ और ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो इंडस्ट्री में दूसरे कार्ड्स आपको नहीं दे रहे हैं। गाइज इस कार्ड का यूज़ करके आप अपनी खुद की फोटो भी इस कार्ड में लगवा सकते हैं, इस कार्ड को पर्सनलाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसा फीचर गाइज इंडस्ट्री में दूसरे कहीं कार्ड में नहीं मिल रहा है। आपको 500 रुपये देकर के, सिर्फ 500 रुपये देकर के
आप अपनी खुद की फोटो इस कार्ड के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। तो वन टाइम 500 रुपये की फीस देनी है और आपका फोटो आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर बन करके आ जाता है। अब गाइस यहाँ पर आप EMIs में भी खर्चों को स्प्लिट कर सकते हैं, जैसा कि दूसरे आजकल मार्केट में क्रेडिट कार्ड चैलेंजर कार्ड्स आ गए हैं, यूनी कार्ड है, स्लाइस कार्ड है, दूसरे पेलेटर्स कार्ड्स भी आ गए हैं, उनकी सी तरह गाइस आपको यहाँ पर वैसे फीचर भी मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप 2500 रुपये से ज़्यादा का कोई भी खर्चा करते हैं तो आप उसे EMIs में स्प्लिट कर सकते हैं। अब EMIs जो है गाइस वो आपको 3 महीने से लेकर के 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने से लेकर के 36 महीने, यानी कि 3 साल तक की मिल जाती हैं। यानी कि अगर आप कोई बड़ा खर्चा करते हैं 150,000 रुपये को, तो आप उससे 3 साल के अंदर भी उसकी रिपेमेंट कर पाएंगे। तो इस तरीके से गाइस आपको काफ़ी लंबा टेन्योर भी मिल जाता है यहाँ पर। तो एक तरीके से इस कार्ड के अंदर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और पे लेटर कार्ड तीनों के ही फीचर गाइस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अब गाइस यहाँ पर अगर आप 90 डेज़ के अंदर पहला कोई EMI बना लेते हैं, यानी कि अगर आप 90 डेज़ के अंदर ही कोई बड़ा ट्रांजेक्शन कर लेते हैं 2500 से बड़ा, और उसे EMIs में स्प्लिट कर देते हैं, तो गाइस आपको 5% का कैशबैक भी मिलता है, जो कैशबैक मैक्सिमम 1000 रुपीज़ तक हो सकता है। तो इस तरीके से गाइस इस कार्ड के जो फायदे हैं उनकी लिस्ट खत्म नहीं होती। इसके अलावा गाइस एक फायदा तो मैं भूल भी गया, वो फायदा ये है कि गाइस दूसरे कार्ड्स के जो खर्चे हैं, दूसरे का अगर आप कोई कार्ड यूज कर रहे हैं अभी और उन पर आपका कोई बैलेंस अमाउंट चल रहा है, कोई ड्यू अमाउंट चल रहा है, तो उस ड्यू अमाउंट को आप यहां इस कार्ड में ट्रांसफर भी कर सकते हैं और कम इंटरेस्ट के साथ उसे रीपे भी कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से काफ़ी सारे बम्पर फीचर्स के साथ ही IDFC फर्स्ट का क्रेडिट कार्ड आ जाता है। लेकिन गाइज अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इसके हिडन चार्जेस के बारे में जानेंगे और उसके बाद मैं डिसएडवांटेजेस भी आपको इस कार्ड की बताने वाला हूँ। तो गाइज हम बात करते हैं सबसे पहले हिडन चार्जेस के बारे में। तो गाइज 4 चार्जेस मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला हम बताने वाला हूँ ओवर लिमिट चार्ज। तो गाइज कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 50,000 रुपये की लिमिट ये कार्ड प्रोवाइड करता है, तो अगर आप 50,000 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते हैं 50,000 रुपये से, मान लीजिए आपने 50,000 रुपये की लिमिट आपको मिली और आपने 55,000 रुपये की स्पेंडिंग कर दी, तो जो ओवर लिमिट अमाउंट आपका बना 5,000 रुपये का, उस 5,000 रुपये पर 2.5% का आपको चार्ज देना पड़ेगा, वन टाइम चार्ज आपको देना पड़ेगा। ये चार्ज जो है वो मिनिमम 500 रुपये होगा और मैक्सिमम जो भी 2.5% का जो भी अमाउंट बनेगा वो मैक्सिमम हो सकता है। तो ये आपको ओवर लिमिट चार्ज की फॉर्म में देना पड़ता है। अब इसके अलावा गाइज जब आप EMIs में स्प्लिट करते हैं अपने पैसे को, तो वहाँ पर 1% की EMI फीस लगती है, EMI ट्रांजेक्शन फीस लगती है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये की कोई स्पेंडिंग करी और आपने उसे EMIs में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 1% अमाउंट देना पड़ेगा, तब आपकी वो EMIs में वो कन्वर्ट हो जाता है। गाइज ये सारे चार्जेस सारे क्रेडिट कार्ड से अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो दूसरे क्रेडिट कार्ड्स हैं वो ऐसे चार्जेस नहीं लगाते हैं, वो भी गाइज ऐसे चार्जेस लगाते हैं। अब इसके अलावा गाइज अगर आप अपनी EMIs को या अपने ड्यू अमाउंट को लेट कर देते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी जो भी ड्यू अमाउंट बनता है उसे ड्यू डेट से पहले ही आप रीपे कर दीजिए। क्योंकि गाइज अगर आप ड्यू डेट से पहले अपने पैसे को, अपने ड्यू अमाउंट को पे नहीं करते हैं, तो उस केस में गाइज सारे क्रेडिट कार्ड्स आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी और काफ़ी ज़्यादा ओवरड्यू इंटरेस्ट लगाते हैं। बट यहाँ पर गाइज आपको जो पेनल्टी लगने वाली है, जो लेट फीस लगने वाली है, उसमें एक मैक्सिमम कैप मिल जाती है, यानी कि यहाँ पर आपको 100 रुपये से लेकर के 1250 रुपये की ही वन टाइम लेट फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा आपको गाइज यहाँ पर और दूसरे क्रेडिट कार्ड्स में भी अगर आप जाएंगे तो भी आपको एक ओवरड्यू इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब ये ओवरड्यू इंटरेस्ट इस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए आपकी जो आपने अगर 10,000 रुपये का कोई खर्चा किया था, उसमें से आप 3,000 रुपये पहले जमा कर चुके हैं, अब आपके 7,000 रुपये बच रहे हैं। अगर ये 7,000 रुपये आपको मान लीजिए एक्स डेट को पे करने थे, लेकिन अगर आपने उस एक्स डेट को ये 7,000 रुपये पे नहीं किए, तो एक्स से लेकर के वाई डेट को जब भी आप इस अमाउंट को पे करते हैं, तो इस 7,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसे ओवरड्यू इंटरेस्ट कहते हैं। अब ये ओवरड्यू इंटरेस्ट जो होता है गाइस, ये 4% की रेट से IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड आपके ऊपर अप्लाई करने वाला है, जबकि दूसरे जो कार्ड्स हैं वो आपसे 5% 7% का ओवरड्यू इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। तो एक तरीके से गाइज यहाँ पर जो हिडन चार्जेस हैं वो भी काफ़ी कम बन करके आते हैं इस क्रेडिट कार्ड के अंदर। अब यहाँ पर बात करें गाइज इसके नुकसानों की, यानी कि कौन के बारे में बात कर लेते हैं, तो गाइज यहाँ पर कौन इस तरीके से हैं कि ये जो कार्ड है यहाँ पर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो आपको रिकरिंग पेमेंट्स के ऊपर नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर आप EMI के ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, अगर आप अपनी इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, या आप कोई रेंटल पे करते हैं इसका यूज़ करके, तो उस केस में गाइज आपको यहाँ पर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आप फ्यूल की पेमेंट भी करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, तो भी गाइज आपको यहाँ पर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो नहीं मिलते हैं। तो रिकरिंग पेमेंट्स पे गाइज और भी दूसरे क्रेडिट कार्ड भी जो है वो नहीं देते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर मैं आपको एक
चीज़ और बता दूं कि इसकी एक डिसएडवांटेजेस और है। वो डिसएडवांटेज ये है गाइज कि इस कार्ड का जब आप यूज़ करके अगर आप अपनी रेंटल्स पे करते हैं तो उस टाइम आपको जो 10x रिवॉर्ड्स मिलते हैं, 10 गुना जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो रिवॉर्ड आपके 10 गुना ना होकर के 3 गुना ही हो जाते हैं। अब यहाँ पर खुशी की बात यह है कि और जो दूसरे क्रेडिट कार्ड है मार्केट के अंदर, वो तो गाइज आपको ये 3 गुना रिवॉर्ड भी नहीं देते, वो आपके रेंटल्स पर आपको कोई रिवॉर्ड ही नहीं देते हैं। तो इस तरीके से गाइज इस कार्ड के बारे में ओवरऑल मैंने आपको सारी चीज़ें जो आपको जानना जरूरी थी वो सारी बता दी हैं। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे गाइज, ये कार्ड जो है वो काफ़ी अच्छा कार्ड है, बहुत ही बढ़िया कार्ड है। इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो 9% की रेट से इंटरेस्ट से स्टार्ट हो रहा हो। इसके अलावा ये बैंक भी गाइज काफ़ी ग्रो कर रहा है। इसके जो MD CEO हैं मिस्टर वी वैद्यनाथन, वो पहले ICICI बैंक में काम कर चुके हैं, काफ़ी उनको अच्छा एक्सपीरियंस भी है और गाइज वो काफ़ी रिनाउंड पर्सन है इंडस्ट्री के अंदर। मैं पर्सनली भी उनको काफ़ी पसंद करता हूँ, इस बैंक को भी काफ़ी पसंद करता हूँ और क्रेडिट कार्ड को भी मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस कार्ड का, अब वहाँ से जाकर के अगर आप अप्लाई करते हैं तो गाइज हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। इस चैनल को चलाने के लिए, आपको लगातार इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देने के लिए हमें भी काफ़ी स्पेंडिंग करनी पड़ती है, तो प्लीज़ हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ लिंक है वहाँ से जाकर के आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज अगर आप लोन्स के बारे में, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, इंस्टेंट लोन ऐप्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल से सीखना चाहते हैं तो गाइज आप हमारी माई कंपनी की मेंबरशिप को ले सकते हैं, कोहिनूर मेंबरशिप को ले सकते हैं, जहाँ से आपको क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, लोन ऐप्स के बारे में अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो हम उसके बारे में डिटेल से बैठ करके बात कर सकते हैं, कंप्लेंट्स कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं आगे आपको किस तरीके से काम करना है। इसके अलावा गाइज आपको जो भी जानकारी हमसे चाहिए वो हम दे सकते हैं अगर आप हमारी माई कंपनी की कोहिनूर मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेते हैं। तो गाइज उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। ज्वाइन के बटन पर दबाकर भी आप हमारी कोहिनूर मेंबरशिप को ले सकते हैं। तो गाइज इसी तरीके की वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूँ YouTube पर लगातार, तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गाइज मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।